अ रॉड मेड अप ऑफ ग्लास। देखो ये क्वेश्चन समझाता हूँ, वैसे इस टाइप की क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, पर फिर भी एक दो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेडिकल में या नॉन मेडिकल एनसीईआरटी के लिए नहीं है। ये एक ग्लास की बनी हुई रॉड है, लाइट जाती है सीधी, इसकी थिकनेस क्वेश्चन में डी गिवन है। लाइट जाती है, वो कहता है टी आई आर हो जाती है, इधर इधर हिट करती है, टी आई आर हो जाती है और लाइट वापस आ जाती है। तो एक एंड से जाती है, घूम के एक एंड से वापस आ जाती है। आपको थिकनेस की डी गिवन है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है। आपको अंदर का रेडियस आर गिवन है, तो आउटर रेडियस क्या बनेगा, आर प्लस डी, आर प्लस डी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, क्रिटिकल नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, विच शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो आपको ये बताना है कि अगर लाइट बाहर वापस आती है तो डी बाय आर की रेशियो क्या है। ठीक, तो रूल एक ही है, अगर लाइट बाहर आती है तो आपका एंगल थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। दोनों तरफ साइन लगा देंगे, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल। साइन ऑफ क्रिटिकल क्या है, 1/μ, 2/3 हो गया, गिवन है क्वेश्चन में। और साइन थीटा इस ट्राइंगल से देख के बताओ, आर आर, देखो ये ट्राइंगल देख रहे हो, साइन थीटा इज आर अपॉन ये वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है, आर प्लस डी। तो ये क्या बन गया, आर साइन थीटा की जगह आर अपॉन आर प्लस डी, और साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 2/3, सॉल्व करके डी बाई आर की रेशियो आ जाएगी। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या इसमें रूल लगाया, और स्टार्ट यहीं से होगा कि आपका एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये हमने कर लिया एंगल ऑफ इन, वो दोनों के बीच में एंगल 90 है, पिछली उसमें क्वेश्चन में कर लिया हमने। ये क्वेश्चन इतना फेमस है, प्रिज्म वाला क्वेश्चन इतना फेमस है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एनसीईआरटी में भी बहुत आते हैं, सीबीएसई के अंदर भी बहुत आते हैं, कॉम्पिटिशन के अंदर प्रिज्म वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एक बार देख लो।
देखो इन अ गिवन फिगर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द राइट एंगल ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एट राइट एंगल फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ ताकि रे यहाँ पर सिर्फ ये डायग्राम गिवन होगा, ये रे ऐसे आएगी हिट करेगी और वो कह रहा है कि इसमें टी आई आर हो जाए जब ये प्रिज्म किस में पड़ा हुआ है एयर में, तो डायग्राम खुद बनाना है। यहाँ से सीधी लाइट जाएगी तो ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये देखो कि अगर ये थीटा ये 90 तो 90 माइनस थीटा, ज्योमेट्री देखो 90 माइनस थीटा, ये छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 तो ये कितना थीटा, और अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है नॉर्मल के साथ 90 माइनस थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा, तो अगर आप टी आई आर चाहते हैं तो 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, कंडीशन ये बनेगी ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो यहां से सॉल्व करके थीटा निकालना है, तो थीटा एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो क्रिटिकल एंगल क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल बनेगा 1 अपॉन म्यू, ग्लास किस में पड़ा हुआ है एयर में, तो यहां से एंगल्स पे मत जाना, ऐसे एंगल आते नहीं है। तो मान लो आपने म्यू पुट किया, क्रिटिकल एंगल निकाल लिया, इस क्रिटिकल एंगल को यहां पुट कर लेना, थीटा आ जाएगा, पहला आंसर। फिर सेकंड पार्ट में वो कहेगा इस प्रिज्म को पानी में रख दिया, तो ये इक्वेशन सेम रहेगी पर नया क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि ग्लास डेंसर गिवन होगा और वाटर रेयरर, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के गिवन है। तो यहां से सॉल्व करके नया क्रिटिकल आएगा, उस नए क्रिटिकल को यहां पुट करके नया थीटा आएगा। वैल्यूज पे मत जाएं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखें कि बस आपको ये कंडीशन बना के क्रिटिकल एंगल निकालना है, एक बार प्रिज्म एयर में है एक बार प्रिज्म वाटर में, तो क्रिटिकल एंगल दोनों में डिफरेंट आएगा, थीटा भी दोनों में डिफरेंट आएगा। तो ये तो चलो फिर भी एक ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड सीबीएसई में तीन चार बार आया हुआ है, रिपीट एक ही क्वेश्चन जिसका स्टूडेंट को आंसर भी याद है, म्यू की वैल्यू रूट टू, मतलब आंसर तक भी याद है कि इसमें जो आंसर आता है वो रूट टू आता है, ठीक, मेरे को भी याद है ये वाला पार्ट, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ये देखो एक आइसोसेलस प्रिज्म है, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, म्यू की वैल्यू क्या हो ताकि यहां पर टी आई आर हो जाए, डायग्राम आपको बना के देगा ये। तो देखो ये 90 है ये 45 है, तो ये एंगल 90 है तो ये कितने है 45 है, ये 45 है तो ये 45 है तो ये 45 है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45 है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है। अगर आप चाहते हो कि टी आई आर हो तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, दोनों तरफ साइन लगा दिया। अब आपको साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल पता है 1/√1/μ, तो इसकी जगह पुट कर दे 1/μ और साइन आई में आई की जगह 45, साइन 45 क्या है 1/√2, म्यू की वैल्यू आ गई, ऐसे करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये रूल कैसे लगाना है इसमें, तो कंडीशन यही लगेगी पहली, बस साइन थीटा की वैल्यू क्रिटिकल में 1/μ और ये साइन ऑफ आई की वैल्यू आई आपको गिवन है इसमें 45, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बहुत बार सीबीएसई के बोर्ड में आता है, दो नंबर, ठीक है।
नेक्स्ट इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, वैसे इस टाइप की प्रॉब्लम मुझे पता नहीं आएगी नहीं आएगी। वो कह रहा है कि इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो इस प्रिज्म को एयर की बजाय मैं पानी में रख देता हूँ, अब एयर की जगह पानी है, अब पता नहीं यहाँ पर TIR होगा कि नहीं होगा, ये आप बताएं। अगर TIR नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तो आप इसका पूरा रे डायग्राम बना के दिखाएं। तो रूल नंबर वन, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था कितना 45। अब वो कहता है कि क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, क्रिटिकल एंगल में ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, तो आप इसमें डेंसर और रेयरर बना के इसको सॉल्व करके ये टर्म कर लें, आप इसमें दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर लेना, पुट करके आपके पास ये एंगल में मत जाएं, ऐसी वैल्यूज आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो क्रिटिकल एंगल जो आता है वो 72.2 डिग्री आता है। अब आप अगर TIR चाहते हैं तो आपका एंगल इससे बड़ा होना चाहिए, पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना 45, तो TIR नहीं होगा, तो फिर क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो आपको लिखना है कि इसमें TIR नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगी। जब रिफ्रैक्शन होगी आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। तो √2 × sin 45 μ × sin of r, यहाँ से r की वैल्यू निकाल के आंसर मार्क करना पड़ेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम, मतलब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि TIR और रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस कैसे चलते हैं।